जय माता दी, राम राम सीताराम। ये दो घोड़ी आज एक और लिया है, तो इसका ये तैयार हो रहा है। गौसरा है तो गाय का, लेकिन ये बालू डाल देंगे और सब घोड़ी को इसमें सुट्टा करना है। तो आज कृष्ण भगवान का जन्मदिन भी है, आठम भी है और सोमवार भी है श्रावण महीना का, इसीलिए तैयार हो रहा है, लेबर इसमें बालू डाल रहा है। तो ये घोड़ियों के लिए बढ़िया रहेगा, उसकी पानी पीने के लिए इधर है कि कुंडा रखा हुआ है, वहाँ पाइप है, तो जब पानी पीना है तब पिएगी, और खुली रखना है सबको साथ में, चार घोड़ी को। तो इसमें छोटी बसड़ी पहले तो बांध रहे थे, लेकिन अभी ये घोड़ाओं के लिए तबेला के लिए यूज़ करेंगे। इसकी 22 फुट पौड़ाई है और इसकी लंबाई है 60 फुट। तो इसमें खुली रहेगी सब घोड़ी तो बढ़िया रहेगी। उसकी ऊंचाई है 14 फुट के आसपास। इसकी गमाण तो ज़्यादा उसी नहीं है क्योंकि ये गायों के लिए है, लेकिन घोड़ा के लिए बना दिया है। गायों छोटी बसड़ी है तो उसको अलग जगह पर रखेंगे। तो आज आने वाली है राजसी भाई और पोपट भाई लेके घोड़ी, दोनों घोड़ियों आएगी, तो एक साथ ही सबको छुट्टी करेंगे। थोड़ा खाना कम खिलाया तो इसीलिए ये कम झगड़ा भी करेगी। तो ये आ गई है दोनों, पोपट भाई कबोलेरा में, एक ब्लैक है और एक लाल जैसी, हमारे तो इधर बोलते हैं इसको, ब्लैक है। उसके कपार में एक टीला है और इसका कपार में भी टीला है और पैर में भी, दोनों पीछे वाला पैर सफ़ेद है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा है। ये 3 साल के आसपास की है लाल वाली, और वो ब्लैक है वो तो 5 साल के आसपास होगी। ये दोनों राजस्थान से ही आई तो है, लेकिन इधर तो पोपट भाई एक लाया था, एक राजसी भाई लाया था, उनसे मैं लिया है दोनों। ये भी उतर रहा है, ये पोपट भाई है हमारे, और ये राजसी भाई दिलीप भाई हमारे एक डॉक्टर है, घोड़ा को, कुत्ता को, बिल्ली को, गाय भैंस सबका डॉक्टर है ये। क्योंकि मारवाड़ी है, ज़्यादातर शांत आती है और देखने में भी खूबसूरत आती है, लेकिन काठियावाड़ी घोड़ी भी हमारे इधर होती है, वो भी चलने में बहुत होती है, लेकिन इधर अभी तो कोई चलाने वाला है नहीं, देखने वाला है खाली, खड़ी खड़ी देखेंगे, सब रखेंगे घर पे, कोई कोई आदमी चलाता है, ज़्यादातर तो घर पे एक सब खड़ी रहती है। ये प्रभात की बेटी है, उसका कागज भी साथ में है, कल वीडियो डालेंगे तो उसमें साथ में वो भी बताएंगे आपको, ये किसकी बेटी है, किसकी नहीं है, कहाँ की है, सब दोनों। मैं तो थोड़ा भूल जाता हूँ, ये रणजीत की कोई है, रणवीर ऐसा कोई सा, उसकी बेटी है ब्लैक वाली,
उनसे पूछेंगे ये पोपट भाई राजसी भाई को किस किस की बेटी हैं तो बताएंगे। लेकिन आज तो आपको ये छोटे वाला वीडियो मिलेगा। आप थोड़ा ये काम करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और थोड़ा ये हेल्प कर देना तो हम गांव वाला को थोड़ी आप हेल्प ही हो जाएगी, आपको कोई इसमें खर्चा नहीं आएगा। क्योंकि इधर तो सब्सक्राइब वाले दो दो तीन तीन करोड़ है, हमारे तो ज़्यादा नहीं है। तो कोई बड़ी टीवी ईटीवी नसी बड़ी बड़ी टीवी है उसका तो दो दो तीन तीन करोड़ सब्सक्राइब है। तो ये गांव में कैसे रहते हैं हम, कैसे नहीं रहते हैं, एक घोड़ा गाय गिर गाय काकरेज गाय सब बताएंगे और क्या किसान का हाल होता है वो भी बताएंगे। तो थोड़ा देखते रहना कि घोड़ी को उतार रहा है तो उतर नहीं रही है। वो पहले उसका नाम लक्ष्मी है, इसका नाम तो मैंने पूछा नहीं है, तो ये लक्ष्मी नहीं उतर रही है तो ब्लैक वाली को ही उतारते हैं। क्योंकि एक खोड़ी होती तो घूम लेती है, दो है तो घूमेगी नहीं, ये घूम तो गई, ये बहुत ब्लैक है। खाली आगे पे एक टिक्का ही है, इसका दोनों पैर पीछे वाला सफेद है, ज्यादा तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा है। और आगे पे उसको भी एक टिक्का ही है, टिलक हमारे तो बोलते हैं। तो आज कृष्ण भगवान का जन्मदिन है इसीलिए लेके आया है, लिया तो है 15 दिन 20 दिन से। एक पोपट भाई के घर पे खड़ी थी, एक राजसी भाई के घर पे खड़ी थी। तो हम बोला ये कृष्ण भगवान का जन्म होगा और सोमवार होगा, श्रावण महीना है तो तब लाएंगे दोनों को। तो अभी जहाँ बालू डाला है वहाँ लेके जा रहा है, वहाँ जाके खुली छोड़ेंगे। क्यों खुली छोड़ेंगे तो थोड़ा शांत भी रहेगी, एक दो दिन तूफान करेगा तो देखेंगे। दूसरा ये उसको जब चाहिए तब पानी पी लेगी, जब खाना खाइए खाना ज़रूरत है तब खाना खा लेगी। ये खुली रहेगी तो बढ़िया रहेगी, ये जंगली तरीके से रखना चाहिए घोड़ियों को। घोड़ा तो नहीं रह सकता, घोड़ा भी छोटा होता है, तब से साथ में घोड़ी पे रहता है तो वो भी रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा। लेकिन बड़ा होगा और अलग से बड़ा होता है तो घोड़ियों के साथ उसको रखेंगे तो ये ज़्यादा परेशान घोड़ी को करेगा। लेकिन जब छोटा होता है बच्चा वहाँ से, तब से घोड़ियों के साथ वो जो बड़ा होता है तो टालियन भी घोड़ा भी इसके साथ रह सकता है। मैं ऐसा देखा ही यूट्यूब में, 25-25, 20-20 घोड़ी साथ में रखते हैं और विदेश में बहुत लोग ऐसे रखते हैं। अपने तो इधर पैसा दिखाने के लिए रूम बनाते हैं, वो करते हैं, बढ़िया बना के रखते हैं, लेकिन विदेश में तो ये खुला छोड़ के रखते हैं। तो ऐसा मैं बहुत देखा है, तो इसलिए मैं तो वही सोचा कि जैसे गाय रहती है साथ में सब, तो घोड़ियों की नहीं रहेगी। क्योंकि दो तीन नंदी भी साथ में रहता है गायों के साथ, तो एक दो दिन झगड़ा करते हैं उसके बाद शांत हो जाता है, ये भी ऐसा ही करेगी, एक दिन दो दिन होगा झगड़ा। ज़्यादातर तो मारवाड़ी तूफान नहीं करती, शांति रहती है। ये पोपट भाई है हमारे, ये पकड़ के हुआ पोपट भाई है, उनके पास से लिए और अच्छी भाई पकड़ के खड़ा है और अच्छी भाई से खरीदा।
घी उछलने में तो रेड सिंधी बहुत आता है और काठियावाड़ी भी आता है, लेकिन ये खूबसूरत के लिए मारवाड़ी और शांत स्वभाव की भी होती है। ये हमारे दिलीप भाई डॉक्टर हैं, हर प्राणी का डॉक्टर है ये, घोड़ा का भी है, गाय का, भैंस का, कुत्ता का, बिल्ली का। ये हमारा लड़का है, रणजीत नाम है, उसको तिलक लगा रहे हैं। दोनों को ही तिलक तो है, लेकिन इसमें भगवान का वास होता है, तो ये घर पे आती है तो उसका ऐसा ही स्वागत करना चाहिए। गाय कोई भी अपने देश की नस्ल की होगी तो वो भी भगवान का वास होता है, और घोड़े में भी होता है, कोई भी होगा घोड़ा, हिंदुस्तान की नस्ल चाहिए, सब होता है, बढ़िया ही होता है। ऐसा नहीं है कि भाई ये हमारे पास मारवाड़ी है तो सबसे बढ़िया मारवाड़ी होता है। हमारे इधर काठियावाड़ी भी बहुत बढ़िया आती है, छलने में इसको कोई पहुँचते नहीं है, और रेड सिंधी आती है वो भी बहुत छलती है। बाकी तो बहुत जाति का घोड़े आता है, घोड़ा घोड़ी। तो ये जब बालू डाल रहा था ना, वहाँ इसको लेके आया। ये दोनों को मैं बोला है सीधा सुटाई करो, इसको खुली करेंगे। इसके बाद ये दो हमारे घर पे है आलिशान, एक का नाम अंजलि है, उस दोनों को ही इसमें खुला करेंगे, एक साथ में चारों का रखेंगे, कल बताएंगे आपको।